वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं यार, वो है प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की तीन इक्वेशंस देखी थी हम लोगों ने, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफ आप लोग ग्राफिकल मेथड से देख चुके हो चैनल पे। तो आज जो ये प्रूफ हम लोग कवर अप करेंगे यार, वो करेंगे कैलकुलस मेथड यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से। क्लियर है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन कौन सी प्रूफ करनी है यार हमें, चलो मैं बता देता हूँ। पहली इक्वेशन होने वाली है हमारी वी इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड होगी हमारी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस। ये तीन इक्वेशंस का हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इनिशिएट करते हैं पहले इक्वेशन से। पहली इक्वेशन है हमारे पास वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो यार देखिए, अगर इस इक्वेशन को प्रूफ करना है तो मेरे पास एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी किसके बराबर यार, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता था, एक्सेलरेशन होता था डी वी ओवर डी टी। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसे क्या पढ़ सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डी वी ओवर डी टी, दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर 3 के इनिशियल स्टेज में। चलिए अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, कुछ ए डी टी इक्वल टू डी वी, या फिर मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि डी वी इक्वल टू ए डी टी के बराबर। ये मेरी इक्वेशन निकल के आ गई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए यार, ये डी वी दैट मीन्स वेलोसिटी की एक छोटी वैल्यू है। डी क्या डिनोट कर रहा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। और ए डी टी यार यहाँ भी मतलब टाइम की एक स्मॉलेस्ट वैल्यू। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि स्मॉल वैल्यू से कंप्लीट वैल्यू तक पहुँचने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो मैं बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दूंगा, आप लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैं प्रॉपरली आपको एग्जाम के तरीके से करा रहा हूँ, जैसे आपको अपने एग्जाम में परफॉर्म करके आना होगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डी वी इक्वल टू ए डी टी। यार इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया, सबसे बड़ा सवाल आता है अब इसकी लिमिट्स क्या होंगी, क्योंकि आपको कौन सा डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करना होता है। डेफिनेट दैट मीन्स जहाँ पर कि लिमिट्स लगती हैं, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो आप सोच के चलो यार कि जब इनिशियली टाइम की वैल्यू जीरो रही होगी, जब इनिशियली टाइम की वैल्यू जीरो रही होगी तब आपकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तब आपकी वेलोसिटी यू रही होगी। भाई जब टाइम जीरो रहा होगा तो आपकी वेलोसिटी इनिशियली यू रही होगी, और जब टाइम की वैल्यू कुछ टी हो गई होगी, दैट मीन्स बढ़ गया होगा कुछ टाइम, 4 सेकेंड 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड कुछ भी, दैट मीन्स टी टाइम, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, तब वेलोसिटी यार होने वाली है आपकी वी यानी फाइनल वेलोसिटी कुछ। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की तो लिमिट मैं यहाँ से डाल दूंगा, वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, यू से लेके वी तक लिमिट डाल दी आपने। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, जीरो से लेके टी तक। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये जनरेट होता है कि सर लिमिट पता कैसे करेंगे, कि किस वैल्यू की लिमिट डालनी है या फिर नहीं डालनी। यार यहाँ पे देखो आपको एक्सेलरेशन भी दिख रहा है और डी टी भी दिख रहा है, तो ध्यान रखना डी के साथ जो भी होगा, जैसे डी टी है तो टाइम की लिमिट लगेगी, या डी वी है तो वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। जो भी डी के साथ लगा होगा, डी वी है दैट मीन्स वेलोसिटी की लिमिट, अगर यहाँ पे कहीं डी एक्स होता तो एक्स मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की लिमिट निकालते हम। आई होप क्लियर आ गई होंगी बातें। डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, और लिमिट लगेगी यू से लेके वी तक। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है भाई, जब भी इंटीग्रेशन आप कर रहे होते हो और एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल साथ में होते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर रख लोगे और वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर दोगे। आपने ए बाहर निकाल लिया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, और लिमिट जीरो से लेके टी तक। अब जब आपने लिमिट वैल्यू, आप लिमिट पता है आपको, लोअर लिमिट भी पता है, अपर लिमिट भी पता है, अब आप क्या परफॉर्म करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी की जगह पर पहले वी डालूंगा, तो वी माइनस फिर यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए, और टी की जगह पे पहले टी और बाद में जीरो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। आप इसे इंटरचेंज करोगे वैल्यूज तो क्या बन जाएंगी, यू को उधर ले जाओ उठा के, यानी क्या बन जाएगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यार हो गई देखो इक्वेशन वन प्रूफ, कुछ ऐसी तो थी इक्वेशन वन, देख लीजिए एक बार। तो ये था हमारा इक्वेशन वन का प्रूफ। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लीजिए। चलिए
कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें यार, मैं रब कर रहा हूँ यार, आप नोट कर लेना, बस सेकंड इक्वेशन हमें ये प्रूफ करनी है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोर्ड पर विजिबल है, ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको मैं प्रूफ करने के लिए यार देखो, अब मुझे कोई भी एक ऐसा रिलेशन लेना होगा जहाँ पर मुझे एस मिल जाए, एस मतलब डिस्टेंस मिल जाए और एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज भी मिले। देखिए कुछ कुछ जुगाड़ पानी बनाएंगे, हमारे पास हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डी एस ओवर डी टी। भाई वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आप ये भी कह सकते हो v की वैल्यू डी एस अपॉन डी टी के बराबर होती है, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब आप अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू वी डी टी। भाई देखो डी एस इक्वल टू वी डी टी के बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मुझे पता है v की वैल्यू किसके बराबर होती है, a प्लस v हमारे पास बराबर होता था u प्लस ए टी के बराबर। तो अगर मैं इसे इक्वेशन वन मानूं और इसे इक्वेशन टू मानूं यार, तो ये इक्वेशन टू की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं यहां पे v में। देखिए तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग इक्वेशन टू इन वन, इक्वेशन टू को वन में पुट कर दो तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगी अब आपकी, डी एस इक्वल टू वी की जगह आ जाएगा यू प्लस ए टी और डी टी, ठीक है। अब कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए यार आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आपके पास डी एस है और एस तक आपको पहुंचना है तो आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, डी एस और यू प्लस ए टी और इसका इंटीग्रेशन। देखो लिमिट यहाँ पे डी एस की लगेगी और यहाँ डी टी की लगेगी। टाइम कहाँ से चेंज हो सकता है भाई, इनिशियली टाइम हो सकता है जीरो रहा हो, इनिशियली टाइम जीरो रहेगा तो उस टाइम पे डिस्टेंस भी तो बॉडी कुछ भी ट्रेवल नहीं करेगी तो डिस्टेंस भी जीरो रहेगा। टाइम जीरो से बढ़ के टी तक पहुंच गया, टाइम जीरो से बढ़ के कहाँ तक पहुंच गया, टी तक, तो डिस्टेंस भी कुछ वैल्यू तक पहुंचेगा, तो हमने मान लिया डिस्टेंस एस तक पहुंच गया। तो ये ध्यान रखना, ये लिमिट्स निकालने का तरीका होता है, इनिशियली हमने माना टाइम पीरियड हमारा जीरो है तो उस टाइम पे बॉडी ने भी कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, जब टाइम जीरो था तो बॉडी ने डिस्टेंस भी जीरो ट्रेवल किया, जब टाइम टी हो गया तो बॉडी ने डिस्टेंस भी कुछ ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब तो फिजिक्स तो यहाँ ख़त्म, अब आपका यहाँ पर मैथ्स यूज़ होगा। डी एस का इंटीग्रेशन होगा एस और लिमिट लग जाएगी जीरो से एस, ठीक है। यहाँ पे यार एक चीज़ देखो, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ फंक्शन को, ये दो फंक्शन आगे इसमें एड में से ऐसे पहले ब्रेक कर लेता हूँ, जीरो से टी पहले यू का इंटीग्रेशन कर लेंगे डी टी में, प्लस फिर हम लोग ए टी का इंटीग्रेशन कर लेंगे डी टी में, जीरो से टी लिमिट डाल दी हम लोगों ने, लिमिट हमारी कहाँ से, अच्छा जीरो से टी तक चल रही है, चलिए ठीक है, जीरो से टी। तो देखो यार इसका इंटीग्रेशन होगा भाई यू, देखो यू तो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा। देखो सबसे बड़ा सवाल होता है सर ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं, तो देखो यार डी टी यानी टी की टर्म्स में, तो टी के अलावा कुछ भी दिखेगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, टी के अलावा कुछ भी दिखेगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यू बाहर आ गया और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी और लिमिट क्या लगेगी, जीरो से टी प्लस। भाई मैंने बताना, देखो डी टी है दैट मीन्स टी वाली जो वैल्यू होंगी वो तो वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे, उसके अलावा हर चीज़ कांस्टेंट, तो यहाँ से ए बाहर आ गया, ठीक है। अब टी का इंटीग्रेशन होगा, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, जीरो से टी। चलिए यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एस माइनस जीरो, सॉल्व कर लेते हैं, एस माइनस जीरो एस के बराबर रहेगा, ये इक्वल्स टू, देखो यार यहाँ पे लिमिट डालो पहले यू और टी की जगह पे पहले अपर लिमिट टी माइनस जीरो, क्लियर है, हो गया ये, प्लस ए की जगह पे ए, देखो टू को भी बाहर निकाल लो क्योंकि टू कांस्टेंट है, टू को भी हमने बाहर निकाल लिया, दैट मीन्स ए अपॉन टू बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में पहले कैपिटल टी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी का स्क्वायर माइनस जीरो। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या बना, एस इक्वल टू यू टी बाई यू इन टू टी यू टी प्लस
भाई ये 1/2 और 80 स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए ऐसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन टू आप लोगों ने प्रूफ देख लिया, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं पहले से बता देता हूँ, एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिया जाता है। ग्राफिकल मेथड नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये क्लास 9th में पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन ये जो आपका कैलकुलस मेथड है ये आपका 11th क्लास में आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम में आए। मे बी अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा होता और मुझे टेस्ट लेने का मौका दिया जाता तो मैं श्योरली पूछता ये एग्ज़ाम में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इक्वेशंस के ऊपर, तो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हमारे पास इक्वेशन है तीसरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्लियर है? तो देखिए यार हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt के बराबर होता है। देखो यार अगर मैं इस रिलेशन को यूज़ करता हूँ तो वेलोसिटी कहीं दिख रहा है, दिख रहा है यार, एक्सेलरेशन भी दिख रहा है, इसमें s नहीं दिख रहा कहीं भी। तो दैट मीन्स आप सिर्फ इतना करने से अपने डेरिवेशन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, यानी अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाओगे। तो कुछ जुगाड़ पानी करते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। भाई ds से ds कट के 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे प्रूफ में काफ़ी फर्क पड़ेगा। ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अब इसमें इंटरचेंज करता हूँ कुछ। अच्छा यार मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसे ds को dv के नीचे लिख लूँ, dv अपॉन ds, और यहाँ पे लिख लूँ साथ में मल्टीप्लाई में ds अपॉन dt। इससे मेरा काम बन जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि ds अपॉन dt क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यार ये वेलोसिटी बन जाएगी ये टर्म, तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो dv अपॉन ds और ये क्या बन गया साथ में, वेलोसिटी। क्लियर है? कुछ नहीं किया यार, ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये कट के वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे डेरिवेशन पे, लेकिन आंसर हमें मिल जाएगा अपना। तो देखिए अब तो ये ds मैंने इसके साथ लिख लिया dv अपॉन ds, और ये एक ds अपॉन, मतलब ये इस तरीके से कर दिया, ये ds इधर पहुंचा दिया और ये dt इधर, यानी ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt होता है वेलोसिटी। अब मैं अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो ads इक्वल्स टू vdv, ads vdv के बराबर हो गया, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, बस वही इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड्स में, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगेंगी यार, देखिए अब आपको वेलोसिटी की लिमिट लगानी है, वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ हो सकती है, यू से लेके वी तक, और यहाँ ds की लिमिट लगेगी, ds की लिमिट क्या हो सकती है, 0 से लेके s तक। a कॉन्स्टेंट है तो a को बाहर निकाल लूँगा मैं, a बाहर आ गया, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, भाई a बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन s हो गया, लिमिट 0 से s, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अब देखो v का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा यार, v का इंटीग्रेशन बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, u से लेके v तक। क्लियर है? इसमें आप इसे सॉल्व करो तो लिमिट डालो a s माइनस 0 इक्वल्स टू, यहाँ से यार देखो आपका क्या फॉर्मूला बनने वाला है, इस 1/2 को बाहर ले लो आप, अंदर क्या बचा आपका, सिर्फ v स्क्वायर बचा, अंदर v स्क्वायर बचा, लिमिट u से लेके v तक। सॉल्व करो इसे, ये क्या बन जाएगा, a इंटू s, ए एस इक्वल्स टू 1/2, v की जगह पहले v आएगा तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट u स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये 2 है, देखो इधर करके दिखा देता हूं मैं, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यही तो प्रूफ करना था मुझे, देखो सब कुछ वही है सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ, दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, देखिए मैच कर लीजिए। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की 3rd इक्वेशन जो हमने प्रूफ की। तो ये हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से परफॉर्म किया पूरा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी वीडियो समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल से आप लोगों को श्योरली। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।